हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट मिसलिनियस क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। क्या कहा गया है? पहले देखिए इंक्विजिटिव मीन्स क्या होता है? क्यूरियस, क्यूरियस बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु ना। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते बहुत ही तुरंत, मतलब उन्हें क्वेश्चन पूछना होता, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं वो लोग ना, बहुत क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो ही वाज सो क्यूरियस इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें क्या करे, रोज। तो यहाँ पर बताइए कौन सी हमारी कहाँ पर एरर आ गई है। तो देखिए ये जो रोज है सेकेंड पार्ट में हमारे, ये रोज क्या है देखिए, एक होता है हमारा राइस, राइस, और एक होता है वे। राइस को हम लोग किस सेंस में लेते हैं? राइस अगर जैसे सूरज उगता है ना, किसी चीज की प्रोग्रेस होना, सूरज का उगना, तो राइस, राइस बोला जाता है उसको। तो राइस की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, राइस रोज और राइजन होती है। और रेज जब उसी को क्वेश्चन पुट अप करते हैं, जैसे यहाँ पर जो सेंस हमारा आ रहा है वो इस वाले रेज का आ रहा है, क्या उसने पुट अप करा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट अप करता है वो, तो ये वाला रेज। तो रेज का क्या होगा? रेज्ड और रेज्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड। तो यहाँ पर ये वाला राइज थोड़ी सेंस आ रहा है, यहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करे, रेज करे, हैंड रेज होता है ना, हैंड रेज करके उसने क्या कहा, बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करे इन द क्लास, बहुत ही क्यूरियस था वो। तो राइज, रोज, राइजन ये होती है सूरज उगना, किसी चीज में प्रोग्रेस, वृद्धि करना, वो वाला राइज है। यहाँ वृद्धि थोड़ी हो रही है, किसी चीज का उगना या प्रोग्रेस थोड़ी हो रही है, यहाँ पर इस वाले रेज का सेंस आ रहा है। तो ये जो रोज वाली फॉर्म सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये इन्होंने राइज की दे रखी है। तो हमारी एरर क्या होगी? ये रोज वाली यहाँ पर रोज ना लग करके यहाँ हम लोग रेज की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, रेज्ड। तो दैट ही रेज्ड, उसने बहुत सारे क्वेश्चन क्या करे, पुट अप करे, रेज करे। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, रोज की जगह क्या आएगा, रेज डाले। तो चलिए सेकंड देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें सेकंड और फॉर्म्स में ना। इसमें देखिए राइज, रोज, राइज और रेज, रोज रेज्ड, तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, आप नोट कर लीजिए। तो सेकंड देखते हैं, आई वुड रादर डाई देन बेग। क्या कहा गया है? मैं मरना पछताऊंगा भीख मांगने के, बेग करने के। तो जैसे कि होता नहीं है, बहुत से लोग होते हैं क्रांतिकारी लोग थे, जैसे कि हमारे क्या, उन्होंने गोली खा ली, गोली खा ली है वो जेल चलेगा, लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, क्या किसी के आगे घुटने नहीं टेके, तो उन्होंने मरना पसंद है। तो रादर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? रादर देन, रादर टी एच एन वाला देन यूज करते हैं, टी एच एन वाला देन नहीं यूज करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, रादर के साथ टी एच एन देन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ही आई वुड रादर डाई देन वेयर, मतलब कंपैरिजन हो रहा है ना, तो रादर देन भीख मांगने के, किसी के सामने घुटने टेकने से ज्यादा मैं मरना चाहूंगा, मरना पसंद करूंगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड देखते हैं, ही यूज टू सिट डे एंड नाइट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल दैट हिज हाउ दैट इज ओ सॉरी यहाँ पर हिज नहीं होगा दैट इज That is how he earned a name. क्या कहा गया है कि he used to sit day and night, वह रात दिन बैठता था कहाँ, एक पेड़ के नीचे in front of a temple, temple के सामने वह रात दिन बैठा करता था, जिससे उसने क्या है, he earned a name, नाम कमाया। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर आ रही है हमारी, देखिए ये जो used to है हमारी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं इसको, सेमी मॉडल वर्ब used to, इसके साथ हम लोग बी वन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, बी वन का, ये सिट्स लगा हुआ है ना, सिट्स नहीं करेंगे, एस हटा देंगे, सिट हो जाएगी हमारी करेक्ट फॉर्म, बी वन का यूज करेंगे, ही यूज टू सिट, और वैसे भी टू के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो एस हट जाएगा, ही यूज टू सिट, सिट आंसर हो जाएगा, सिट्स की जगह सिट कर लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में हमारी एरर हो गई। ठीक है, तो चलिए फोर्थ, इट इज नॉट आई Who is to blame? क्या कहा गया है? यह मैं नहीं हूं जिसको ब्लेम किया जा रहा है। ठीक है, ब्लेम किया गया है, इट इज नॉट आई हु इज टू
ब्लेम, जिसको ब्लेम करना है ये मैं नहीं हूं। तो ये जो यहाँ पे हु दे रखा है हमारा क्या यहाँ पर काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो हु से पहले हमारा जो भी नाम प्रोनाम आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, वर्ब टू बी का यूज होगा। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं ना, इज नहीं आएगा। क्या करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो आई हु इज नहीं होगा, आई हु एम टू प्ले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही कम होता है ना, बच्चे ये इज कर देते हैं, इसको करेक्ट कराते हैं कि इजी होगा, हु के साथ इज आएगा, आई के साथ इज आएगा। लेकिन हम लोग को ये देखना है कि आई अपने साथ क्या लेगा, एम लेगा ना, पर एम लेगा ना पर टू ही। तो यहाँ पर हम लोग एम का यूज करेंगे, इस कट कर देंगे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम लोग इसी को करेक्ट मानेंगे। वैसे बहुत से लोग शायद जनरल में इसको भी करेक्ट मान लेंगे, लेकिन क्या है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम लोग एम का यूज करेंगे, यहाँ पर हमारी एरर रहेगी, वहां पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ देखते हैं, ही वॉज डिबार्ड टू अपियर एट द एग्जामिनेशन। क्या कहा गया है, उसे डिबार्ड मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल उसे रोक दिया गया है। ठीक है, निरस्त कर दिया गया है उसका एग्जामिनेशन में अपियर होना। ठीक है, अपियर होना उसका निरस्त कर दिया गया है। तो यहां पर क्या हमारी एरर आ रही है, देखिए, अरे ही वॉज, ये आएगा पार्ट आपका। ठीक है, तो देखिए कहां पर हमारी एरर आ रही है। देखिए डिबार जो होता है ना, डिबार द लिखती हूँ मैं जहाँ पे लिखती हूँ जल्दी नहीं बची हूँ इसको, इधर देखिए आप, डिबार जो होता है वो अपने साथ टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं लेता है, क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, फ्रॉम और प्लस आई एन जी फॉर्म लेता है। ठीक है, वी फाइव लेता है अपने साथ, तो डिबार के साथ फ्रॉम आएगा और अपियर की जगह क्या हो जाएगा, अपीयरिंग। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, डिबार के साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म फॉर्म लगाएंगे और अपीयर का अपीयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाएगी, टू की जगह फ्रॉम, अपीयर का अपीयरिंग। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आपका रूल है, कि आज जो मैंने जो भी कराया है बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ये सब आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई इनमें से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर मिलता है देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ हमारा क्या है, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड द न्यूकमर टू हिज ऑफिस इफ ही वुड माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। क्या कहा गया है कि मिस्टर गुप्ता कोई है, उन्होंने क्या कहा है, न्यूकमर है कोई, उनके ऑफिस में ज्वाइन किया है किसी ने, उससे क्या कह रहे हैं कि उस दिन क्या है, आप मेरे ऑफिस में क्या आप देर तक काम करना चाहेंगे, ये कह रहे हैं क्या आप देर तक उस दिन काम करना चाहेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, वुड माइंड तो नहीं करेंगे आप। तो ये कहा गया है इसमें, तो यहाँ पर क्या हमारी एरर आ रही है, यहाँ तो सही है, आस्क द न्यूकमर टू हिज ऑफिस इफ ही वुड माइंडेड, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या कहा गया है, वुड के साथ देखिए हम लोग वी वन का यूज करते हैं, माइंडेड लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लोग ईडी को हटा देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, माइंड, ही वुड माइंड, क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे, बोलते नहीं है तो क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे, वुड माइंड वर्किंग लेट दैट डे, माइंडेड थोड़ी हुआ, वुड के साथ हम लोग वी वन का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर ईडी हम लोग हटा देंगे और माइंड को एम आई एन डी रहने देंगे। ठीक है, ईडी हट जाएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज ऑफ 10 इयर्स। क्या कहा गया है, कोई पर्सन है वो क्या कह रहा है कि मैं जब 10 साल का था तब मैं हॉकी खेलता था। तो जब भी हम लोग पुरानी बातों या पुरानी आदतों की बात करते हैं तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, यूज्ड टू मॉडल का, ये जो हमारी सेमी मॉडल वर्ब होती है, यूज्ड टू, अभी मैंने यूज्ड टू का इक्वेशन अभी कराया था ना, कौन सा था वो, तो आई यूज्ड टू, यूज थोड़ी होता है, आई यूज्ड टू, जब हम पुरानी आदतों का यूज करते हैं जब हम अभी नहीं कर रहे होते हैं, इसने क्या कहा है कि मैं 10 साल पहले आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था। ठीक है, तो आई यूज टू हो जाएगा, यूज की जगह पे डी लग जाएगा। ठीक है, तो यू यूज टू हमारा यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी आदत का हैबिट के बारे में बता रहे कि वो 10 साल पहले हॉकी खेलता था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट, द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर टू प्ले वेल
lest they would lose the game. क्या कहा गया है, कैप्टन क्या कह रहे हैं प्लेयर्स से कि अच्छा खेलना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गेम को लूज कर जाए, गेम खो दें, गेम हार जाए. तो कैप्टन अपने प्लेयर्स को सलाह दे रहा है कि अच्छा खेलना. तो चलिए इसमें कहां पर एरर आ रही है हमारी, तो देखिए जो हमारा ये लेस्ट और वुड, तो हम लोग क्या करते हैं लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज करते हैं ना, लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो. तो यहां पर क्या करेंगे हम, वुड की जगह पे वुड को नहीं लगाएंगे, शुड का यूज करेंगे. ठीक है, लेस्ट और शुड ये हमारा होता है लीस्ट और शुड. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. आज बहुत सारे रूल्स हो गए ना वैसे भी क्वेश्चन में, प्रीवियस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी आज की. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हिज माउथ वॉटर्ड व्हेन ही सॉ बुके ऑफ ग्रेप्स. क्या कहा गया है, वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरे मुंह में भी पानी आ गया है कि उसके मुंह में पानी आ गया. हिज माउथ वॉटर्ड क्या, जब उसने ग्रेप्स का बुके देखा. ठीक है, आप उनके मुंह में तो नहीं आ रहा ना पानी, पानी पोंछ लीजिए. आप क्वेश्चन देखिए चलिए कि क्या कहा गया है, व्हेन ही सॉ बुके ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का जब उसने बुके देखा. तो आप लोग बताइए ग्रेप्स का क्या होता है, बुके होता है, बुके किस चीज का होता है, बुके होता है फ्लास्क का, फ्लास्क का बुके होता है ना. ग्रेप्स का क्या होता है, हम लोग बंच बोलते हैं, बुके हटा के यहाँ पे बंच करेंगे, जैसे कीज का, चाबियों का गुच्छा होता है, ग्रेप्स का गुच्छा होता है. तो यहाँ पर अंगूरों के गुच्छे की बात है, उसको देख के मुंह में पानी आ गया. ठीक है, तो यहाँ बुके नहीं होगा, बुके हम लोग फ्लास्क का यूज करते हैं. ऐसा थोड़ी होगा कि भाई किसी को देखने गए उसे बुके लेके गए, भाई बुके लेके जाते ही हैं, देखा तो फ्लास्क नहीं ग्रेप्स निकले, बिल्कुल अजीबो गरीब है. तो ऐसा थोड़ी होता है, कभी आपने सुना है ग्रेप्स और बुके ऑफ ग्रेप्स, तो बुके नहीं होता, बुके होता है फ्लास्क का और बंच होता है ग्रेप्स का. ठीक है, गुच्छा. नेक्स्ट देखिए टेंथ, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वेहेमेंटली रिफ्यूज्ड द एलिगेशन दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स. क्या कहा गया है, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है, बहुत ही पुरजोर तरीके से बलपूर्वक विरोध कर दिया है एलिगेशन का, क्या कि उन्होंने ब्राइब्स ली थी. ब्राइब कभी ली होगी तो उनपे एलिगेशन जो लगा था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है. ठीक है, बहुत ही बलपूर्वक होता है वेहेमेंटली, एकदम उन्होंने ऐसा आवेग में आके क्या बोला कि नहीं मैंने नहीं लिया, ब्राइब नहीं ली थी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर है हमारी, क्या हम लोग क्या बोलते हैं एजुकेशन के मिनिस्टर. ठीक है, मिनिस्टर के लिए एजुकेशन थोड़ी होती है, तो फॉर जो यहाँ पर लगा है हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ना, एजुकेशन के मिनिस्टर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो फॉर की जगह पे हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. यहाँ पे का सेंस आ रहा है, हिंदी मीनिंग आप इसका देखिए, हिंदी मीनिंग देखिए क्या निकल, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए मिनिस्टर नहीं, एजुकेशन के लिए मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर है एजुकेशन के. ठीक है, तो द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फॉर की जगह पे हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, फिर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे हमारी फर्स्ट पार्ट में एरर आएगी. तो आज के ये 10 क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग द एरर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, बहुत ही रूल्स मैंने आज लिखवाए हैं, आप लोग सब याद रखिएगा. और ऐसे ही आपको अगर वीडियोज चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.